जी, हम 108 एम्बुलेंस जो भी हमारे राजस्थान में चल रही है उस सिलसिले में हम यहाँ पर आए। जो भी सपोर्ट हमें यहाँ पर देना है, हमारे स्टाफ को मोटिवेट करना है, और जो कोरोना वॉरियर्स हमारे लगे हुए, कोरोना का स्टाफ लगा हुआ है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम जितने जल्दी हो सके इस महामारी से दूर लोगों को कर सके, इसको उनको जागरूक कर सके, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके, जब तक वैक्सीन हमारे को नहीं मिली है, हम इन सबको ये चाहते हैं कि आप जागरूक रहें, अवेयर रहें कि क्या हो सकता है, किस चीज़ों से आपको डिस्टेंस रखना है, किस तरह से आपको बात करनी है, किस तरह से मास्क पहनना है, किस तरह सैनिटाइज करना है। इन सब के बारे में आज हम बात करने आए, अपने स्टाफ से भी, हम यहाँ पर भी मिल रहे हैं CMHO साहब से भी, यहाँ पर बात करने, जो भी हमारा यहाँ पर सपोर्ट हो सकता है हमारी तरफ से, और जो छोटे मोटे कई गैप्स भी होते हैं तो उनको हम दूर करके, हमारा भी है कि हम वन टीम वन मोटो, उस बेस पर हम काम कर रहे हैं कि हमारा एक ही मोटो है कि हमें इस वक्त इस महामारी से किसी भी तरह से अपने नागरिकों को, अपने स्टाफ को, अपने लोगों को, अपने यहाँ के लोकल स्टाफ को, सभी जनों को अवेयर करना है, बचाना है, और एक संदेश देना है सबको कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अवेयर रहने की जरूरत है। लगभग कितनी गाड़ियाँ 108 अजमेर में लगी हुई है, कितने कर्मचारी है अभी? कर्मचारी यहाँ पर, कर्मचारी की संख्या हमारे जो मैनेजर है, प्रोग्राम मैनेजर, वो आपको बता देंगे। हम सर्वे अभी यहाँ पर बात करना है कि जितनी गाड़ियाँ अपनी, कितनी जो अपनी गाड़ियाँ लगी हुई है, 19 गाड़ियाँ हमारे यहाँ पर अजमेर में लगी हुई है, अभी 108 एम्बुलेंसेज, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो कुछ गाड़ियाँ CMHO साहब के सपोर्ट से भी चल रही है यहाँ पर, उनके साथ भी हम मिलकर के काम कर रहे हैं। जो स्टाफ यहाँ पर आए, इनके साथ जॉइंट एफर्ट के साथ में, जहाँ पर भी पेशेंट मिल रहे हैं, जहाँ पर भी हमें लग रहा है कोरोना के सस्पेक्टेड केस हैं, उनकी सहायता से हम वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम नवनीत तिवाड़ी है, मैं रीजनल मैनेजर हूँ यहाँ पर JVK 108 एम्बुलेंस सर्विसेज। ऑब्वियसली हमारा जो पर्पज़ यही है कि हम किस तरह जो हमारी सर्विसेज हैं, इसको हम कैसे और इफेक्टिव बना सकते हैं, और हमारा जो स्टाफ है उस स्टाफ को हम मोटिवेट कर रहे हैं, जगह जगह हम जा रहे हैं, उनको भी अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम सुन रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा, और एक एज ए पर्सन इंडिविजुअल, बिकॉज दे आर टेकिंग केयर ऑफ एंटायर द सिचुएशन, सो हम उनको जा कर के वहाँ पे उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई इस चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई सपोर्ट अगर आपको चाहिए उसके लिए वी आर रेडी। एंड जहाँ पे भी जो सर्विस हमारे एम्बुलेंस जहाँ पे भी स्टेशन है, वहाँ पे भी हम जा कर के उनके जो टीम है उससे हम पूछ रहे हैं, वहाँ के पूरे स्टाफ से पूछ रहे हैं कि भाई एम्बुलेंसेज को किस तरह से और हम दुरुस्त कर सकते हैं, सर्विसेज को और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, स्टाफ का क्या किस तरह से कंट्रीब्यूशन है, उनको सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, किस तरह का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, और इसी के पर्पज़ से आज हम पूरा स्टेट की, हम जिस जो रीजन है अजमेर वाला है और जो नागौर का एरिया है उसको मैं विजिट कर रहा हूँ विद माई टीम, मिस्टर जो नवनीत तिवारी हैं एंड मिस्टर रेनॉल्ड रॉय, और जो यहाँ के हमारे लोकल जो स्टेशन जो हमारे प्रोग्राम मैनेजर हैं मिस्टर आदित्य शर्मा। यहाँ कितनी ऐसी गाड़ियाँ सर 108 हैं यहाँ अजमेर में? नंबर ऑफ 19। यस। और उनको पूरी फैसिलिटीज मिल रही है या कहीं कोई प्रॉब्लम भी आ रही है? नहीं, फैसिलिटीज़ अभी इस समय, पहले स्टार्टिंग में ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी तो जो गवर्नमेंट का जो जो डिपार्टमेंट CMHO का जो ऑफिस है वो उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कहीं छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसको इमीडिएटली कोऑर्डिनेट करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं विद हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड CMHO ऑफिस।